नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। जी हां, जिस तरह से बीते 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के यहां से लगभग 38 करोड़ रुपए ईडी ने बरामद किए थे छापेमारी के दौरान, उसके बाद से ही हम कह सकते हैं ये मामला लगातार तूल पकड़ा गया। और फिर उन दोनों जो निजी सचिव थे संजीव लाल, उनको हिरासत में लिया गया था, उनके जो नौकर हैं उनको हिरासत में लिया गया था और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही थी ईडी के द्वारा। और अंतोगत्वा ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को समन भेजा, आज का समय मुकर्रर किया था। और आप देख सकते हैं कि आलमगीर आलम जो है वो ईडी कार्यालय 11 बजे से हम कह सकते हैं कि 5-6 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं और ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आपको ईडी ने समन किया है, तो साफ उन्होंने कहा है कि हम कानून के पालन करने वाले व्यक्ति हैं, हम कानून के पालन करने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करेंगे, ईडी ने समन दिया था इसलिए हम पहुंचे हैं। तो सुने आप क्या कहा आलमगीर आलम ने। समय एक दिन मिला, जितना हो सके हम लेकर आए, हम कानून मानने वाले हैं इसलिए हम कुछ करें। वो तो उनके लिए उनका जो है वाकई में जिस तरह से लगभग 38 करोड़ रुपए आलमगीर आलम जो झारखंड के मंत्री हैं उनके निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जो जहांगीर आलम है उनके यहां से ईडी जे बरामद किया था, उसके बाद से ही इस पूरे मामले में पूछताछ ईडी कर रही है कि आखिर ये पैसा उनके नौकर के पास से आया कहां। जो दस्तावेज मिले हैं वो दस्तावेज भी काफ़ी कुछ जो है इशारा कर रहा है इन पूरे मामले के खुलासे को लेकर के। लगातार ईडी जो है जाँच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, संजीव लाल से को भी जो है रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है, संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर आलम उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और अंतोगत्वा कहीं ना कहीं जो तार जुड़ते नजर आ रहे थे, या यूं कहें कि जो तार इशारा कर रहे थे, उस इशारे के मद्देनज़र ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को भी तलब किया और आज मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुँचे हैं। हालाँकि अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो उन्होंने साफ कहा है कि मैं कानून के पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, कानून के अंतोगत्वा जो है आज तलब किया गया था और मैं इसी तलब के तहत जो है आज ईडी कार्यालय पहुंचा हूं। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो ईडी रिमांड में संजीव लाल है, जो संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम है, दोनों को सामने बैठा करके आलमगीर आलम से भी आज पूछताछ होगी। बहरहाल क्या कुछ खुलासा होता है, ईडी इस मामले पर आगे का क्या एक्शन लेती है, तमाम जानकारियाँ न्यूज विंग टीम आप तक पहुँचाते रहेगी। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से बीते मई को जो ईडी की रेड पड़ी थी नौकर आलमगीर आलम के यहाँ और वहाँ से जिस तरह से लगभग 38 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, इसी मामले को लेकर के इसी बाबत जो है आज मंत्री आलमगीर आलम को भी ईडी कार्यालय पहुँचना पड़ा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफी समी। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।